किसान भाइयों, ये जो आप सामने मेरे मशीन खड़ी हुई देख सकते हैं, यह है वर्धमान कंपनी का 7 फैन मल्टी क्रॉप थ्रेशर। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो है कि गेहूँ की जो सीज़न है, जो गेहूँ का सीज़न अभी आ रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण रहता है कि हमें भूसा की क्वालिटी कैसी मिल रही है। क्योंकि बहुत सारे जो मल्टी क्रॉप हैं वो सिर्फ इसीलिए फेल हैं कि वो गेहूँ तो निकाल देते हैं पर भूसे की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो इस मशीन में आपको भूसे की क्वालिटी काफ़ी शानदार मिलेगी, क्योंकि इसकी ड्रम की डिज़ाइन इतनी अच्छी की गई है कंपनी के द्वारा, जिससे आपको भूसा बहुत ही लाजवाब मिलेगा और दाने में सफाई बहुत अच्छी मिलेगी। तो भूसा में चलाने से पहले कुछ छोटी मोटी सेटिंग होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं वही कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली सेटिंग तो है कि हमारी मशीन की जालियां सही प्रकार लगी हो। ड्रम जाली जो है, जो कंपनी द्वारा बताया जाता है कि इसमें ये गेहूं की जाली है, वही जाली लगाएं आप। छन्ने जो हैं गेहूं वाले ही लगाएं, क्योंकि अगर हमारे छन्ने और जाली अगर सही तरीके से नहीं लगी है तो वैसे भी आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें और कितनी भी ज़्यादा सेटिंग कर लें, आपको भूसा और दाने की क्वालिटी में फ़र्क नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई जालियों की बात। अब उसके बाद हम ये बताता हूँ मैं कि इसमें जो है भूसे को बारीक करने की सेटिंग किस प्रकार रहेंगी। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी सेटिंग है, चलिए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हापर के जस्ट नीचे सुपर मॉडल है तो भी उसके नीचे ये सिस्टम आएगा, साइड टोकरी मॉडल है तो भी उसमें ये सिस्टम यहीं पर आएगा। आप देख सकते हैं ये जो ये बोल्ट लगे हैं, ये 2 बोल्ट हैं, एक इस तरफ लगा है, एक इस तरफ लगा है, सेम इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि जो इस तरफ जो 2 नट रहते हैं हमारी सेटिंग के लिए, ये इस बॉक्स के अंदर रहते हैं। ये आप इन दोनों नटों को देख सकते हैं, इनको आप जितना ज़्यादा टाइट करेंगे दोनों तरफ से बराबर, उतना ज़्यादा आपका ड्रम छोटा होगा और इससे आपकी भूसा की क्वालिटी जो है बहुत शानदार हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस मशीन को दूसरी मशीनों से बेस्ट बनाने के लिए। 0 वाइब्रेशन में ये मशीन आती है, आप इसमें काम करेंगे मशीन में बिल्कुल 0 वाइब्रेशन रहेगा। व्हील जो है इसके 110 किलो के हैं, जो कि डबल व्हील सिस्टम में ये मशीन आती है, बहुत पावरफुल व्हील है। और ट्रैक्टर में जो लोड है बिल्कुल ना के बराबर लगता है। आप इसमें फ़ैन देखेंगे, 7 फैन में ये मॉडल आता है, 4 फिल्टर के साथ में, और सारी इजी सेटिंग्स हैं, आसानी से लग जाती है शाफ्ट आसानी से लग जाती है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती है। टायर का साइज़ आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा टायर आता है हमारा, जो 7/19 का टायर आता है वो आता है, एक्सल हैवी आता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और भूसा की क्वालिटी जो है आपको इन सेटिंगों करने के बाद बहुत लाजवाब मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर किसी भी किसान बंधु को हमारी ये मशीन चाहिए तो आप हमसे जबलपुर के अगर पास में हैं तो आप डायरेक्ट शोरूम में विज़िट कर सकते हैं। शोरूम का नाम है राजेश ट्रैक्टर एंड कृषि यंत्र जबलपुर। धन्यवाद।